तो नमस्कार, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि थंबनेल देख रहे हो, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपलसी एएनएम भर्ती 2002 से बारे में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपलसी एएनएम भर्ती की जर्नी के बारे में। ठीक है, इसकी जर्नी वगैरह कब तक हो सकती है। जैसे अभी काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 4 महीने हो गए रिजल्ट आए हुए, अभी तक जॉइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो मैटर पड़ गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं भर्ती कहीं ना कहीं फंसती चली जा रही है। ठीक है, मगर अभी तक जॉइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पा रही है। हमारी बहुत सारी मैना जो जो फ्रेश जो है 7189 फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनको भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। मगर आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अब आयोग चाह रहा है कि जो ज्वाइनिंग वगैरह की प्रक्रिया अब लगभग आपकी जो जनवरी में ही होने वाली है, जनवरी 2023 के अंदर। जैसा कि बहुत सारे कह रहे होंगे, आपसे कह रहे होंगे, मगर मैं आपको बता दूं, हाँ, एक पॉजिटिव तरीका से सोचना चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग की जितनी जल्दी प्रक्रिया जल्द हो जाए उतना ही सही है। मगर अभी तक आयोग कहीं नहीं ये सारी चीज़ें कर नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे बहुत समय से हम जैसे जो कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पा रही है। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे होंगे, जो आपकी ज्वाइनिंग लगभग यानी कि 2 से 3 दिन में हो जाएगी, 4 से 5 दिन में हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो जिला अलॉटमेंट है, 1 से 2 दिन में जो पीडीएफ वगैरह रेडी होगी वो सब कुछ हो जाएगा। मगर आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अभी तक नहीं हो पा रही हैं। ऐसी मुझे कोई भी अभी तक ठोस न्यूज़ नहीं मिली है कि जो आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया इसी साल कंप्लीट कर ली जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर, जो जिला अलॉटमेंट के नोटिस वगैरह जारी हो जाएगा। ठीक है, मगर कहीं ना कहीं आयोग चाह रहा है कि आपको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में बता रहा हूं लगभग जनवरी में, यानी कि जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक कंप्लीट देखने को मिल सकती है। क्योंकि आयोग चाहेगा नए साल के अंदर ज्वाइन जो जो नियुक्ति पत्र जो वितरण समारोह होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होते हुए दिखेगी। क्योंकि अभी जितने भी कह रहे हैं जैसे अभी ज्वाइनिंग होगी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसी कोई भी न्यूज अभी तक मुझे नहीं मिल पा रही है कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, जो प्रोविजनल वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनकी जो डीवी वगैरह जो होगी लगभग, आपको बता दूं, उनकी जनवरी के यानी कि जो फर्स्ट वीक तक शायद जो इनकी फाइल वगैरह है जो परिवार कल्याण विभाग में चली जाएगी, तो उनका भी जो समय लग सकता है शायद उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं ये भर्ती डिले होती जा रही है। मगर आपको बता दूं, शायद विभाग भी चाहेगा कि शायद दोनों जैसे कि पूरी भर्ती एकदम जो कम्प्लीट कर दी जाए, क्योंकि जो प्रोविजनल वाले हैं उन्हें भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी 7वीं में, क्योंकि ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि अगर जो 7189 जो फ्रेश कैंडिडेट है उन्हें ज्वाइनिंग पहले मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं जो प्रोविजनल वाले फिर वहां दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस एक साथ साथ मुझे ऐसा ही लग रहा है, इसी वजह से ये सारी चीजें लेट हो रही हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग यानी कि 7वीं मिलने वाली है। मगर आपको बता दूं, ऐसी कोई भी न्यूज अभी तक निकल के नहीं आ रही कि आपकी ज्वाइनिंग 1 से 2-3 दिन के अंदर होने वाली है। जैसे कि मैं आपको कोई गलत न्यूज नहीं दे सकता, क्योंकि 1-2 दिन से जो जिला अलॉटमेंट है 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा, 4 से 5 दिन में जो वितरण समारोह हो जाएगा, ऐसा अभी तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी तक कुछ होता तो पहले से ये सारी जानकारी अब तक आ गई होती, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसी कोई जो न्यूज नहीं मिल पा रही है कि आपका जो जिला अलॉटमेंट है 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं विभाग ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि काफी समय हो गया रिजल्ट आए हुए, क्योंकि जो भर्ती है लगभग पैट 2021 से की गई थी और काफी समय हो चुका है 2021 में, क्योंकि पैट 2022 का भी रिजल्ट आने वाला है जनवरी में, मगर एक भी भर्ती यूपी ट्रिपलसी को जो कंप्लीट नहीं हो पाई है पैट से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा जो दुखद है, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसे फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिल पाए, तो वो ही समझ सकता है कितनी टेंशन होती है। मगर आपसे पॉजिटिव रहो, क्यों विनम्र है कि बढ़िया तरीका से जो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह बहुत जल्द होने वाली है, ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि अभी तक जो आयोग चाहेगा तभी ज्वाइनिंग वगैरह होगी, क्योंकि हमारे कहने से और किसी कहने से तब तक ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। मैं कह भी दूँ कि आपकी ज्वाइनिंग कल से या परसों से स्टार्ट हो जाएगी, मगर ऐसा कोई नहीं, क्योंकि मैं गलत न्यूज़ नहीं देता हूँ। काफ़ी समय से मुझे कोई भी जो जो ऐसी न्यूज़ नहीं मिल पा रही है कि आपकी ज्वाइनिंग 2 से 3 दिन में हो जाएगी, मगर ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा है और आप भी समझ सकते हो, क्योंकि आप जो कुछ भी होगा आयोग नई साल में ही करने वाला है। जो वितरण वगैरह समारोह लगभग आपको बता दूं यानी कि 1 से 15 तारीख के बीच में आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होते हुए दिखेगी। ठीक है, जनवरी में, जनवरी 2023 में। तो आपको ये न्यूज बतानी थी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही वीडियो देखते रहो, क्योंकि यूपी ट्रिपलसी से कोई भी एएनएम से कोई भी अपडेट होती है अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में रखते हैं, वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और धन्यवाद।